वेलकम बैक टू आवर चैनल माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ कैसे हैं आप लोग कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन तो आज है वीकडे का दिन और आज मैं आप लोगों के साथ अपना सेकंड पार्ट यानी कि माय प्रेगनेंसी स्टोरी का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसा रहा और उसके एक्सपीरियंसेस सिम्टम्स कैसे थे कैसे मैंने टेक केयर करी थोड़ी सी घबराई हुई थी ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम था फिर भी वो एक प्यारा सा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये किसी तरीके के डराने की स्टोरी नहीं है एक अवेयरनेस की है जितनी जल्दी आप इसे अपनाएंगे आपके लिए आसानी होगी हर एक की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है हर इंसान पे अलग अलग होती है किसी की कम ज़्यादा होती है कुछ डिफरेंट होती है कुछ स्कैरी भी हो जाती है कितने लोगों की पर फिर भी वो ऊपर वाला बैठा है वो हर चीज़ में मदद करेगा और वो उतना ही दर्द देता है जितना आप सहन कर सकते हो जिस दिन ये क्षमता खत्म हो जाएगी वो खुद प्रकट हो जाता है हालांकि <laughs> ये चीजें आपको लग रही होंगी कि कहानी चल रही है कहानी नहीं है सच है सच में तो चलिए ज्यादा इस चीज को स्ट्रेच ना करते हुए आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट एपिसोड में लास्ट ब्लॉग में बताया पार्ट वन में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों का नेक्स्ट प्रोसीजर जैसे हम लोगों को घर पे कंफर्म हो गया था तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि इंश्योरेंस पे काम करना और इंश्योरेंस में लिस्ट में जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनकी पहचान करना और उनसे अपॉइंटमेंट लेना शुरू करना जो उस टाइम पे अवेलेबल हो और पास के डिस्टेंस पे हो ज़्यादा फार अवे वाले पे ना हो क्योंकि अभी बिगनिंग लेवल है तो इजीली ट्रैवल हो सकता है लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हो सकता है मोशन के कारण भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है या टाइम पे अगर नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे इतना ट्रैवलिंग हो पाएगा कि नहीं ट्रैफिक का लफड़ा किसी दिन अगर जल्दी कम ज़्यादा ऐसा टाइम हो जाएगा इसलिए कोशिश करके और ये लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली एंड वेरी ईजीली दैट कि हर ब्लॉक uh, पे हर स्ट्रीट पे एक से दो डॉक्टर्स होते ही होते हैं ये जस्ट आपका प्रेफरेंस होता है कि आप कौन से डॉक्टर प्रेफरेंस करना चाहते हैं आप अमेरिकन डॉक्टर लेना चाहते हैं या लैंग्वेज के कारण अगर देसी लेना चाहते हैं या बहुत सारे लोग अपने खुद के लैंग्वेज के हिसाब से लेते हैं रशियन चाइनीज़ ब्लैक्स जो भी आप अपने तरीके से लेना चाहते हैं वो सारे आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से ले सकते हैं यहाँ यूएसए में ये चीज़ की बहुत आराम है यहाँ पे तो ठीक वैसे ही मैंने ये चीज़ देखी थी कि मुझे एज़ सुन एज़ पॉसिबल कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है तो उस टाइम पे जो मेरे डॉक्टर आए थे वो थे श्रीलंकन डॉक्टर थी मेरी एक फीमेल डॉक्टर थी ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टाइम था तो हम लोगों ने कुछ इतना ज़्यादा रिसर्च भी पहले नहीं कर रखी थी और हम लोगों के पास कोई आइडिया भी नहीं था पर हाँ हम लोग रेटिंग के हिसाब से जा रहे थे और हम लोगों ने आसपास जो हॉस्पिटल हौ, थे जो बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल थे उसमें जो सबसे पहले हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा डॉक्टर के साथ वो हम लोगों ने ले लिया था तो हम लोगों ने जब डॉक्टर लिया यू वॉन्ट बिलीव हम लोगों ने जब उसके सर्च करना शुरू करा तो इतफाक की बात है कि हम लोगों को वो डॉक्टर बहुत अच्छी मिली वो डॉक्टर की रेटिंग भी बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे रिव्यूज थे उनके बारे में काफ़ी अच्छे से वो कंसल्ट करती हैं पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स पूरा सेशन चलता है पूरे अच्छे से वो आ, उनको आ, वो बताती हैं कंसल्ट करती हैं ठीक वैसे ही तो हम लोगों ने भी अपना अपॉइंटमेंट ले लिया अपॉइंटमेंट जिस दिन था उस दिन सुबह थी और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ट्रस्ट में मुझे दो महीने तो पहले ही हो चुके थे क्योंकि घर में ही रहते रहते दो महीने हो गए थे उसके बाद जब हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला हम लोगों को तुरंत ही एक दिन छोड़ के जब हम लोगों को मंडे या ट्यूसडे को पता पड़ा था एक दिन बीच में गैप हुआ था उसके नेक्स्ट डे सबसे अर्लीस्ट से टू अर्लीस्ट हम लोगों को एग्जैक्टली नाइन थर्टी का अपॉइंटमेंट मिल गया सुबह का और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पी मैंने और मैं निकल गई थी बस उसके बाद क्या था कि मैं वहाँ पे पहुँची उन लोगों ने बहुत इजीली मेरा सबसे पहले तो उन लोगों ने मेरा बॉडी वेट चेक करा था मेरे वाइटल साइंस चेक करे थे मेरा बी मेरी हार्ट बीट थोड़े से ब्लड सैंपल्स लिए थे उन्होंने यूरिन सैंपल्स लिए थे जो उन लोगों को टेस्ट करने होते हैं बाकी उन्होंने मुझे बोला था कि बस इस रूम में वेट करो डॉक्टर आएगी वो सारे रिपोर्ट्स हो जाएंगे उसके बाद हम आपको कंसल्ट करेंगे ये पूरा थर्टी फाइव मिनट्स का जो राउंड रहता है वो इतना सुपर फास्ट होता है इतना ज़्यादा सुपर फास्ट होता है और साथ में आपको एक एनजाइटी बननी शुरू हो जाती है कि मुझे कब वो सुनने को मिलेगा कब मेरा डॉक्टर मुझे बोलेगा येस यू आर प्रेग्नेंट तो जब ये पॉजिटिव आंसर सुनने के लिए मैं इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो रखी थी मैं रूम में मेरे से वेट ही नहीं हुआ रहा है मैं कंटिन्यू ही सोचे जा रही थी कि कब आएगी डॉक्टर कब मैं उससे क्वेश्चन पूछूँगी मैं इतनी एक्साइटेड हो रखी थी उस टाइम पे मेरे साथ गई थी मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे मेरे साथ पर दोनों बाहर बैठे हुए थे लॉबी में वो वेट कर रहे थे और डॉक्टर जो होती है वो चाहो तो आप अपने साथ असिस्टेंट ले सकते हैं और चाहो तो आप अलोन भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं ये ऑप्शनल होता है तो मैंने कहा कि मेरा अभी बिगनिंग लेवल है मैं अकेले देख सकती हूँ मैं डॉक्टर के साथ अपने जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो सारे बात कर लूंगी तो बस ये दोनों बैठे हुए थे बाहर मम्मी और हस्बैंड दोनों बाहर बैठे हुए थे बच्चों के डैडी दोनों बाहर बैठे हुए थे मैं अंदर थी डॉक्टर आई डॉक्टर ने मुझे कन्फर्म कर दिया उन्होंने मुझे डॉपलर से यानी कि वो बच्चों के दिल की धड़कन सुनते हैं आपके पेट में जो बच्चा है वो दो महीने में पूरी तरीके से उसके हार्ट बीट बन जाती है और बहुत तेज सुनाई देती है वो एक डॉपलर होता है जो डॉपलर का एक कान का हिस्सा पेट पे रखा जाता है और डॉक्टर इस तरह तकप से वो सुनती है और उनके पास स्पीकर भी होते हैं तो वो डॉपलर रखा हो उसने और वो हार्ट बीट उस पर आराम से इतनी तेज सुनाई दे रही थी एंड यू वोंट बिलीव ट्रस्ट मी जब आप खुद अकेले होते हो तो आप उसे सुनने के लिए इतने ज्यादा खुश हो जाते हो और मैं आपको बता दूँ, ये पिक्चर का सीन नहीं है जैसे ही आप खुद के ही बच्चे की धड़कन आप उस कमरे में धक 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 कंटिन्यू सुनना शुरू करते हैं आपके पेट में से जो आ रही है आप ऑटोमेटिकली उसी वक्त इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो इतना ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे मैं कमरे में थी डॉक्टर के साथ मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ कैन यू कॉल समबरी एंड दे विल कॉल माई मॉम एंड माई हस्बैंड इन टू द रूम तो सबसे पहले ये हुआ कि मम्मी गई हुई थी रेस्ट uh, रूम में तब तक अमर आ गए थे कमरे में और अमर ने सुनी वो आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी फिर मम्मी आई मम्मी ने सुनी ओ माय गॉड हम तीनों ने ये आवाज़ सुनी वो छोटे से बच्चे की जो मेरे पेट में था ओ माई गॉड इट वॉज सच ए लाइफ टचिंग मोमेंट था वो हम तीनों ही इतने हैप्पी हैप्पी मोड में आ गए फिर उसके बाद डॉक्टर ने हम लोगों को बहुत सारा कंसल्ट करा था बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि मुझे किस तरीके से अपने अपनी देखरेख करनी है किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स भी आएंगे जैसे कि हार्ट बर्निंग इनडाइजेशन बैक एक मैंने ये सारे के सारे इस नोट पैड पर लिख के रखे हैं कि मुझे क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हुई थी, थी उस टाइम पे हाँ थोड़े थोड़े स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो गए थे धीरे धीरे करके और मेरे पाँव में भी थोड़ा थोड़ा दर्द आना शुरू हुआ था और आ, मुझे थोड़ा सा मुझे कोल्ड एंड कॉफ भी बहुत जल्दी होने लग गया था मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना दांत में दर्द होना शुरू हुआ था बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पर ये सारी चीज़ों से डॉक्टर ने बोला था इट्स जस्ट नॉर्मल बच्चा आधा है धीरे धीरे वो ग्रो होगा यहाँ पे पेट में तो धीरे धीरे करके आपकी आंतड़ियाँ दबनी शुरू होंगी वेन्स दबनी शुरू होंगी थोड़ा थोड़ा पेट पे प्रेशर आएगा पर डरने की जरूरत नहीं है साथ में आपको थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है उसके अलावा भी डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे सैंपल्स दिए थे यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे क्लिनिक में आप लोगों को बहुत सारे सैंपल्स दिए जाते हैं वो सैंपल्स आप अलग अलग वेराइटी अलग अलग कंपनी के होते हैं अलग अलग फ्लेवर में आते हैं कुछ में लेमन आता है कुछ में जिंजर आता है कुछ में गार्लिक आता है कुछ में चेरी आता है ऑरेंज आता है बनाना आता है जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स के साथ अगर आप लेके वो दवाइयों को टेस्ट कर सकते हो गमीज आती हैं कुछ पानी से लेने की आती हैं तो वो सारी चीजें आप ट्रेस्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपको कौन सी मेडिकेशन या मेडिसिन आपको सूट हो रही हैं कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है कौन सी टेस्ट से आपको उल्टी नहीं हो रही है या कितने लोगों को उल्टी का भी प्रॉब्लम होता है तो और कितने लोगों को पूरी तरीके से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं दवा लेते भी चक्कर आने लगते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो डॉक्टर ने हमें पहले ही अवेयर कर दी थी साथ में डॉक्टर ने हम लोगों को ये भी बताया था कि हॉस्पिटल में फ्री क्लासेस चलती हैं मम्मी पापा के लिए जो नए मम्मी पापा बनते हैं उनके लिए कंसल्टिंग क्लासेस चलती हैं काउंसलिंग क्लासेस चलती हैं कि कैसे बच्चे की टेक केयर करनी है कैसे उसकी देखरेख करनी है नया बच्चा आएगा आप भी नए पेरेंट्स बनोगे शुरू में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाते हैं और सीखना ही पड़ता है क्योंकि अगर आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हैं तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है तो ठीक वैसे ही डॉक्टर ने भी हमें बहुत सारे सजेशन दिए थे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि एक काम करते हैं हफ्ते में एक दिन कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं उस दिन हम दोनों आएंगे दोनों क्लासेस लेंगे हम आते थे बाकायदा हमने साइन करा हॉस्पिटल में हमने एक से दो क्लासेस ली महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार थी जो हम लोगों ने वो ट्राई करी हमें बहुत अच्छा लगा पहला ही सेशन बहुत अच्छा था फिर हम लोगों ने सोचा हम घर पे कैरी करेंगे तो इस तरीके से करके मेरा थर्ड मंथ निकला फोर्थ मंथ जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था फोर्थ हुआ फिफ्थ हुआ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरा जो टमी मेरा पेट था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया बच्चे की ग्रोथ होनी शुरू हो गई धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होने लग गया मेरे चेहरे पे एक्नेस होने शुरू हो गए मेरा रंग थोड़ा सा पीला पड़ना शुरू हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पीला क्यों पड़ रहा है मैं जैसे अभी दिखाई देती हूँ ऐसे अगर देखिए दीवार का जो कलर है ये वाला कलर दिखाई दे रहा था आ, क्रीम क्रीम सा कलर मेरे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो गया था उसके बाद हल्का हल्का सा और फिर उसके बाद ये होता था कि कभी मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते थे फिर एकदम सडनली मेरे बाल टूटने लग जाते थे ये सारे के सारे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही समझ आते हैं चाहे आप लाख गूगल कर लो चाहे आप लाख लोगों से पूछ लो या आपकी मम्मी आपको गाइड कर सकती हैं आपकी सास आपको गाइड कर सकती है आपकी नंदे वगैरह सब आपको गाइड कर सकती है आपकी कजिन्स गाइड कर सकते हैं जो जो इस फेज से निकले हुए हैं पर ट्रस्ट मी हर एक की प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है किसी की भी मैचिंग नहीं होती है सबकी डिफरेंट होती है ऐसे करते करते थर्ड से फोर्थ महीना आया फोर्थ से फिफ्थ महीना आया तब मेरा एक और बार चेकअप हुआ जिसमें मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक डायबिटीज़ होने का डर रहता है जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के बढ़ सकते हैं अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी तो हुआ ये कि जैसे जैसे मेरी टमी की ग्रोथ होती जा रही थी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा था मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भूख ज़्यादा लगने लग जाती थी मेरा मन बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रेविंग करता था कभी मेरा सडनली मीठा खाने का मन करता था कभी मेरा सडनली खट्टा खाने का मन करता था कभी मुझे लगता था कि मुझे नमक ज़्यादा खाना चाहिए कभी मुझे लगता था कि मुझे पीज़ास खाने चाहिए और बहुत बारी ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें अचार की शुरू हो जाती थी मीठे में मुझे मोस्टली आइसक्रीम्स खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था खट्टे में मुझे आ, आ, मुझे अचार चटनी चटपटा पूरी भेल पूरी ये सब इतनी ज़्यादा पसंद आने लग गई थी मुझे बार बार यही लगता था बस खाती जाऊँ रुकू ही ना खाती ही जाऊँ ऐसा लगता था बस हुआ ये कि इन सारी चक्करों के चलते मैंने ध्यान नहीं दिया खाते 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 और मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ना शुरू हो गया फिर आया टाइम जिसमें एक टाइम रहता है फो चार महीने के बाद यानी कि बीस हफ्तों के बाद आपकी चेकिंग होती है आपके बच्चे का जेंडर चेक किया जाता है आपके अंदर बच्चा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है डिटर्मिनेशन का टाइम होता है तब ये डिसाइड हो जाता है चार हफ्ते के बाद कि बच्चे का लिंग क्या है तो हम लोग गए थे चेकअप करवाने के लिए पूरा अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद आपसे टेक्नीशियन यानी कि वहाँ पे जो नर्स हाजिर रहती हैं जो आपकी चेकअप करती हैं वो आपसे पूछती हैं कि आपको यहाँ यू में ये चीज़ लीगल है इसीलिए उसने हमसे पूछा था कि आपको जानना है कि आपके पेट में क्या है शुरुआत में हम लोगों ने पहले भगवान का नाम लिया और हमने यही सोचा कि जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है हम लोग उसके लिए हैप्पी हैं और रेडी हैं तो हेल्दी बच्चा ही चाहिए सबसे ज़्यादा चाहे लड़का हो या लड़की हेल्दी बच्चा चाहिए हमें तो हमने बस ये सोच के हमने उसे पहले मना कर दिया उसके बाद बस, बस यही हुआ कि जैसे ही हमने मना करा वहाँ से निकलने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में यही आ गया कि जो चीज़ हमारे सामने थी हमने वो क्यों नहीं ली वो चीज़ दिमाग में ज़्यादा आनी शुरू हो गई अगर हमें पहले पता पड़ जाता तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें पहले खरीदना शुरू कर देते पर होता यह है कि हम हमारे घर में जैसे अगर कोई बच्चा आने नया बच्चा जब आता है ना तो हम कोई भी नई चीज़ें नहीं यूज़ चीज़े करते हैं नई चीज़ नहीं खरीदते हैं हम हमेशा पुरानी चीज़ें या एक बार की उतरी हुई ऐसी वाली चीज़ें लेते हैं वो भी कुछ हफ्ते तक यानी कि फोर्टी फाइव डेज यानी कि डेढ़ महीना सवा महीना इस तरह का सूतक वाले हिस्से में हम उसे वही चीज़ें पिनाते हैं हमारे यहाँ इस तरीके से माना जाता है तो बस वही चीज़ मेरे दिमाग में थी मैंने भी यही सोचा कि मैं मेरे बच्चे को एक बार की यूज़ करी हुई चीज़ पहनाऊंगी और यूज़ करी हुई चीजें ज्यादा गंदी नहीं होती जो नवजात बच्चे होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं और उनकी चीज़ें गंदी नहीं होती है नई चीज़ बाजार की ब्रांडेड चीज़ें खरीद के ला के पिनाऊँ इससे बेटर है कि मैं एक बार की वो पहना दूँ क्योंकि हर बच्चा एक भगवान का भेजा हुआ एक अवतार ही है और भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है उस तरीके से मैं मानती हूँ मैं भी ऐसा मानती हूँ मेरे घर वाले भी वही मानते हैं तो इसीलिए बस उसी के चलते तो हम लोगों ने यही सोचा चलो हमारे दिमाग को कहीं और लगाते हैं तो मेरा काम हुआ तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि अब एक काम करती हूँ सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ अपने वजन पे काम करती हूँ ग्रोथ पेट की करनी है ना कि मेरी बॉडी की करनी है क्योंकि मेरा तो मेरी बॉडी तो बन चुकी है मुझे पेट पे यानी कि बच्चे के ग्रोथ पे ध्यान देना है तो मैंने क्या किया मैंने थोड़ा सा अपने रोज़ की एक्सरसाइज करनी शुरू शुरू करी मेरे हस्बैंड जैसे कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और आ, मेडिकल फील्ड से हैं तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस बताई और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडेंस कर सकती हैं तो ठीक वैसे ही हम लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया बहुत सारा दिमाग लगाया जब भी मुझे मौका मिलता था मैं थोड़ा वॉक करती थी थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी पैदिक एक्सरसाइज करती थी थोड़ा सा योगा करने की कोशिश करती थी थोड़ा मेडिटेशन करती थी ये टाइम था तब जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपनी डाइट पे काम करो और अपने खाने पीने पे काम करो ठीक वैसे ही मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि अब ये टाइम है भगवान का नाम लेना शुरू करना है प्रवचन सुनने हैं भजन सुनने हैं भगवान से रिलेटेड मेडिटेशन शुरू करना है कुछ पाठ वगैरह करने हैं, ठीक वैसे ही हमने भी करना शुरू कर दिया, मैंने भी वही चीज़ करनी शुरू कर दी और मेरा खुद का काम तो चल ही रहा था साथ में मुझे नींद भी आनी शुरू हो गई जैसे कि अगर मैं कुछ खाती थी मुझे सडनली नींद आने लग जाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़ी देर सोऊ थोड़ी देर अपना ध्यान इधर उधर करूँ उस हिसाब से फिर अचानक डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं थोड़ा सा वज़न अपने को कंट्रोल करना है वो तो ठीक है लेकिन अपन जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक जो डायबिटीज़ हो जाती है उसका टेस्ट करवा लेते हैं वो टेस्ट करवाया और मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई यानी कि मुझे शक्कर आ गई जो डायबिटीज़ आपको प्रेगनेंसी में आती है और वो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ आती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपका वज़न सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है आपको प्रेगनेंसी में सूजन आनी शुरू हो जाती है पाँव भारी होना जैसे हम आम भाषा में जिसे हम आम आ, कहते हैं इंडिया में पाँव भारी हो जाना यानी पानी की, पा, जो आपका पेट के अंदर जो पानी बन रहा है जिसके अंदर बच्चा लपटा हुआ होता है वो पानी धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाता है वो पाँव में जाना शुरू हो जाता है और आपका पाँव सूज जाते हैं तो दैट तो इज़ कॉल्ड तो पाँव भारी हो जाना तो मुझे प्री की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी और साथ में मुझे बीपी हाई होने का प्रॉब्लम हो गया मुझे बीपी भी हाई होने लग गया मुझे स्वेटिंग होनी शुरू हो गई मुझे थोड़ी थोड़ी देर में सांस हाँफ़नी शुरू हो जाती थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लग गया था मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरे मूड स्विंग्स मूड स्विंग से हट के मेरी एनजाइटी में बदलते जा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ में घबराहट होने लग जाती थी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई तो इसीलिए तो मैं फिर भी आप लोगों को ये बोलूँगी सबके सिम्टम्स बहुत अलग होते हैं सबकी प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है कभी भी किसी की एक जैसी नहीं होती है और इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ हालांकि हमें डर लगता है लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ वो ऊपर वाला बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा करेगा ये परीक्षा का टाइम होता है सच्ची में क्योंकि आप नए जीवन को जन्म देने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है अपनी स्टोरी बताने का ये मेरा तरीका है अपनी स्टोरी बताने का मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे लोग या तो घबरा जाएं या डर जाएं या उन चीज़ों से पीछे हटने लग जाए नहीं मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और बहुत सुंदर प्रेगनेंसी बहुत सुंदर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है चाहिए हम सभी के जीवन में हम सभी चाहते हैं शुरू से और हमेशा यही कामना करते हैं कि हमारी हमें भी एक प्रेगनेंसी का दौर आए हम भी वो मदरहुड को इन्जॉय करें तो इसीलिए तो याद रखिए हमेशा खुश रहिए तो चार महीने में ये वाली सिचुएशन आई उसके बाद ये हुआ कि पांचवें महीने में, में जब हम लोग गए <coughs> पाँच ये चौथे से पाँचवा महीना था और फिर जैसे जैसे हम छठे की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो छठे की तरफ मुझे धीरे धीरे करके नींद आना भी कम हो गया क्योंकि बच्चा बढ़ने लग गया था मुझे नींद आनी कम हो गई मैं करवट के बल सोने की बजाय मैं सीधे सोना पसंद करती थी और सीधे में भी मैं बैठ के सोती थी क्योंकि पेट अड़ने लग गया था मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी कहीं जाती थी कुछ कर नहीं पाती थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं आ, यहाँ पे क्यों बैठी हूँ ऐसे करके मुझे अकेले ही रहना है मैं अकेले रहूंगी तो खुश रहूंगी ऐसी वाली फीलिंग आने लग गई थी फिर उसके बाद ऐसा होता था कि बच्चों के डैडी मुझे कहीं घुमाने ले जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि आ तो गए हैं लेकिन अब यहाँ से घर कितनी जल्दी जाएंगे कितनी जल्दी अपन घर पहुंचेंगे बस घर जाओ घर जाके सो जाओ ये वाली फीलिंग आने लग गई थी मुझे बहुत अजीब अजीब सा फील होने लग गया था होता है सबका डिफरेंट होता है स्टाइल उसके बाद बस यही हुआ था कि खाने पीने पे मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था दूध का इंटेक मैं लेती थी आइसक्रीम बिल्कुल खाना बंद कर दिया था मीठा मैं खा नहीं सकती क्योंकि डायबिटीज का डर है नमक मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि बीपी बढ़ने का डर हो जाता है खट्टा खा नहीं सकते क्योंकि शरीर में सूजन आ जाती है मिर्ची खा नहीं सकते क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हो इतनी सारी बंदिशें लग जाती हैं तो आप खाओगे क्या ये वाला फील होने लग गया था तो मैंने धीरे धीरे करके जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अति लेने लग जाती थी उसे मैंने धीरे धीरे करके कम करना शुरू करा धीरे धीरे कम करने के दौरान मैंने नोट करा कि मेरे थोड़े थोड़े से पाँव में स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई थी मैं तेज़ वॉक करने लगी थी ना मुझे अच्छा लगने लग गया था मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा ना बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ट्रस्ट मी जब तक आप खुद से नहीं सोचते हो ना कि अंतर आत्मा से नहीं सोचोगे ना तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है मैंने कितने सारे उस दौरान जब मेरे पांव सूजे थे मेरी बॉडी पे सूजन आई थी उस टाइम पे मैंने बहुत सारे फोटोज क्लिक कर रहे थे उस टाइम पे नहीं सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं जाके आप लोगों के साथ या इस लेवल पे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी कहानी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी बहुत सारे रियलिटी में जो लोग मिलते हैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ सबका अपना अपना डिफरेंट होता है मुझे लगता है मेरा ये डिफरेंट है इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये मौका मिला तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं आगे के ब्लॉग में फिर कंटिन्यू रखती हूँ तो आज इतना ही और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा थर्ड पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आई